भैया ये क्या कर रहे हो आप? आज जो भी कर रहा हूँ बस तू देखता जा। तो जो भी कर रहे हो जल्दी करो, भाभी आ रही है। हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू। ये आपका गिफ्ट। रिंग? तुम मेरे लिए ये 200 रुपए की रिंग लेके आए हो? यार सैम, तुम्हें क्या मैं छोटी बच्ची दिखती हूँ जो तुम मुझे ये रिंग दे रहे हो? यार मेरा जितना बजट था मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आ गया। बजट नहीं था क्या मतलब होता है? अगर तुम्हारा बजट नहीं है तो क्या तुम मुझे कुछ भी लाके दे दोगे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घटिया गिफ्ट। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम मुझसे मांग लेते ना, मैं दे देती तुमको पैसे। भाभी आप भैया से कैसे बात कर रहे हो? भैया ने आपको हर साल महंगे तोहफे दिए आपके जन्मदिन पर, अच्छे से धूमधाम से आपका जन्मदिन मनाया। आप थोड़ा तो समझ सकते हो ना कि इस बार उनका बजट नहीं है। अबे ओ हेलो भाई के चमचे, मैंने तेरे भाई को कितनी बार बोला है अगर उसकी औकात नहीं है मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने की तो फिर क्यों रहता है? यार हनी एक बात बताओ, अगर मेरा बजट होता तो क्या मैं आपके लिए महंगा गिफ्ट नहीं लेकर आता? और हाँ आपके लिए तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ या गिफ्ट? ओ हेलो, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, मेरे लिए मेरा स्टैंडर्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूंगी कि मेरे ही बॉयफ्रेंड ने मेरे ही बर्थडे पे मुझे 200 रुपए की रिंग गिफ्ट की है। और वैसे भी तुमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पर तुमने मेरी बेइज्जती ना करवाई हो, हर जगह मुझे एम्बैरेस फील करवाया है। और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि अपने इन दोस्तों की गाड़ियों में घूमना बंद करो, अगर तुम्हारे बस की है ना तो एक बाइक खरीद लो, अगर तुम बाइक भी नहीं खरीद सकते ना तो एक साइकिल खरीद लो, तुम्हारी औकात से मैच करेगी। यार बेबी आप तो बुरा मान गए, मैंने तो बस आपके साथ छोटा सा मजाक किया था, और मैं आपके लिए वो गिफ्ट नहीं, मैं तो आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आया। गोल्ड की चेन। थैंक यू सैम। यार बेबी जब तुम मेरे लिए इतना प्यारा गिफ्ट लेकर ही आए थे तो तुमने ये सब क्यों किया? मैंने फालतू में तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। अरे बेबी ये सब छोड़ो ना, आप चेन तो ओपन करके देखो। हाँ। नकली एयरिंग्स अभी चैन के डब्बे में। अगर ये एयरिंग्स इसके अंदर है इसका मतलब कि चैन उस डब्बे में थी जो मैंने पानी में फेंक दी। हाँ उस डब्बे में चैन थी जो कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, जो तुमने बिना देखे उस पानी में फेंक दी। नहीं बेबी तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मेरे लिए ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो तुम इम्पोर्टेंट हो। बेबी तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे नहीं पैसे से प्यार करते हो, तो जाओ अपने लिए कोई पैसे वाला ढूंढो, मैं चलता हूँ। चलो। नहीं सैम मेरी बात तो सुनो, बेबी प्लीज मेरी बात तो सुनो, आई एम सॉरी। मैडम मैडम आपके पैसे गिर गए। आपके पैसे गिर गए थे, ये लीजिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरे सारे पैसे लौटा दिए, अगर कोई और होता ना तो लेके ही चला जाता। अरे कैसी बात कर रहे हो मैडम, आपके पैसे तो आपको ही देता ना। आप सच में बहुत ईमानदार हो, ये पैसे मेरी तरफ से रख लो। क्या मैडम एक तो ईमानदार बोल रहे हो और ऊपर से इस ईमानदारी की ईमानदारी को पैसों से खरीद रहे हो। अच्छा मैडम चलता हूँ। भैया। हाँ बोल। मुझे पैसे चाहिए। रुक। सिर्फ 100 रुपए? अरे 100 रुपए से क्या होगा, पार्टी करने जाना है मुझे, अब ये लेके जाऊं मैं? बेटा मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ही है, सुबह की कमाई इतनी हुई है क्या करूँ, 10 कप ही बिके अभी तक और उसके भी पैसे मैंने तुझे दे दिए। ढंग से काम करना नहीं आता है क्या तुम्हें? सुबह से निकले हो सिर्फ 100 रुपए कमा के आए हो। हाँ घर के किराए के लिए आपके पास 4,000 रुपए थे ना, उसमें 2,000 रुपए मुझे दे दो। नहीं नहीं वो पैसे मैं तुझे नहीं दे सकता, अगर उसमें से एक भी पैसा कम हुआ तो मकान मालिक हमें घर से बाहर निकाल देगा, तो कहाँ रहेंगे हम लोग? वो सब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए तो मतलब चाहिए, चुपचाप से दे रहे हो कि नहीं? ठीक है लेकिन सच कह रहा हूँ ये तू बहुत गलत कर रहा है। दिमाग खराब कर रखा है, एक काम ढंग से होता नहीं इनसे। बनेंगे बड़े भाई दो ना।
ये पकड़ो। खासे पैसे मिल गए, आज तो पार्टी है। एक्सक्यूज मी, एक बारी मेरी बात सुनना। हाँ बोल। पार्टी करने जा रहे हो, जरा फोन दिखाना अपना। ये रहा, क्यों? कितना अच्छा फोन है तुम्हारे पास, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने। तुम्हें पता है सब किसकी वजह से? तुम्हारे भाई की वजह से। पर तुम ये सब कभी समझ नहीं पाओगे। चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, वो देखो। क्या? अबे वो चाय वाले, इधर आ। कितने की है चाय? 10 रुपए की है भाई चाय। 10 रुपए की मिलती है चाय? 5 रुपए की मिलती है, झूठ क्यों बोल रहा है? 5 की नहीं है भैया, 10 रुपए की चाय है, और मैं तो 10 रुपए की चाय बेचता हूँ। मैं 5 रुपए की चाय लेता हूँ। नहीं साहब, 5 की तो नहीं हो पाएगी ये। तू देता है या तेरी केतली छीन के फेंकू अभी? नहीं नहीं साहब, हाँ ये चाय मत फेंको, मैं आपको देता हूँ चाय। ये पकड़ अपने 5 रुपए और अब आए ना तेरी अकल ठिकाने पे, चल निकल। देख रहे हो तुम्हारा भाई पैसे कमाने के लिए कितनी गालियां खाता है, वो सब किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से, ताकि वो तुम्हें अच्छी परवरिश दे सके। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तुम्हारा बड़ा भाई है। पर तुम्हें क्या, तुमने तो कभी उसे अपना बड़ा भाई समझा ही नहीं। समझोगे भी कैसे, सिर्फ पैसों के लिए याद करते हो तुम उन्हें। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद तुम्हारे बड़े भाई ने एक बाप का और एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाओ। अगर तुम उन्हें खुशियां नहीं दे सकते तो दुख भी मत दो ना। भैया 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 मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि आप मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो। मेरी जरूरतें पूरी हो इसके लिए आप दिन रात चाय बेचते हो, लोग ही गालियां खाते हो। पर आप नहीं भैया, आपने बड़ा भाई होने का फर्ज निभा लिया ना, अब मेरी बारी है छोटा भाई होने का फर्ज निभाने का। आज से चाय मैं बेचूंगा। नहीं छोटे, मैं नहीं चाहता कि तू ये कभी चाय बेचे। मैं तो ये चाहता हूँ कि तू पढ़े लिखे और अच्छा आदमी बने। माँ बाप का सपना था कि हम दोनों पढ़े, लेकिन मजबूरी ऐसी रही कि मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तू पढ़े लिखे और अच्छा आदमी बने, और ये चाय का काम तू मुझ पर छोड़ दे। अगर ऐसी बात है ना भैया, तो मैं दिन रात पढ़ाई करूँगा, दोस्तों के साथ घूमना भी छोड़ दूंगा, पार्टी वार्टी सब बंद कर दूंगा। बहुत मेहनत करूँगा भैया, और एक अच्छी जॉब पाऊंगा, फिर आपका और मम्मी पापा का सबका नाम रोशन करूँगा भैया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुझे तेरी गलतियों का एहसास हो गया।